नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और आज बात करेंगे एक ऐसे जोड़े की जो इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ हाथियों को पाल रहा है। जी हाँ, बेंगलुरु की श्वेता गोविंद और उनके पति गोविंद गोरूर भी कुछ इसी तरह काम कर रहे हैं। श्वेता पूर्व में इंफोसिस में काम करती थी जबकि गोविंद एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट के तौर पर काम करते थे, लेकिन इन दोनों ने अचानक ही अपनी जॉब छोड़ दी। गोविंद ने बताया कि हम एक दिन आपस में ऑनलाइन चैट कर रहे थे और मैंने श्वेता को बताया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। पहले श्वेता को झटका लगा, फिर उसने पूछा कि अब आगे क्या करोगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन 45 मिनट बाद श्वेता ने मुझे मैसेज कर बताया कि उसने भी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं? दो नौकरी करने वाले लोग जो 1 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के नौकरी छोड़ दें। इसके बाद इस जोड़े ने चेन्नई और पुडुचेरी के बीच पूर्वी तट पर स्थित सड़क के पास एक छोटे से गांव मणक्कम में 3 हाथियों की देखभाल करना शुरू किया। इन तीनों हाथियों संध्या, इंदु और जयंती को बचाकर इस 14 एकड़ के इलाके में बसाया गया था। श्वेता और गोविंद कई जानकारों के डॉक्टर, महावत और सपोर्ट स्टाफ के साथ इनकी देखभाल करते हैं। अब ये दंपत्ति तीनों हाथियों को रोजाना खाना खिलाता है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। गोविंद ने बताया कि इन हाथियों का कई सालों से शोषण किया जा रहा था और जिसके कारण ये भय में जीते थे। इस कपल की जंगल लाइफ दुधवा नेशनल पार्क से शुरू हुई। श्वेता ने बताया कि जब हमें पता चला कि डॉक्टर सुप्रजा धारिणी की ट्री फाउंडेशन एनजीओ बेंगलुरु की एक अन्य एनजीओ के साथ इन 3 हाथियों की देखभाल के लिए किसी को खोज रही है, तभी हम इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। अब ये कपल रामनगर के पास जगह खरीदना चाहता है जहां पर गिद्धों के रहने की जगह तैयार की जा सके।